नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वादा भूल गई मध्य प्रदेश सरकार, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तारीख निकल जाने के बाद भी नहीं आया आदेश। नगरीय निकाय चुनाव अक्टूबर में शुरू होगी, नगर पालिका के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया। चेन्नई के प्रसिद्ध समाज सेवी ने परसवाड़ा स्कूल को दी सौगात, डिजिटल लाइब्रेरी का छात्रों को मिलेगा लाभ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, फल वितरण किए और किया रक्तदान। जिले भर में याद किए गए देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा, मनाई गई जयंती, हुए विविध कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। इस भाग दौड़ भरी तनाव युक्त जिंदगी में आपने कब खुलकर हंसा है, शायद इस सवाल का जवाब आपको भी अच्छे से पता नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अच्छी तरह से हंसने से कई रोग दूर हो जाते हैं, और लगातार अगर आप हंस रहे हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और यहाँ हंसी खुले आसमान और हरी भरी वादियों प्रकृति के बीच में हो तो हंसने का मजा ही दुगना है। चलिए आपको बताते हैं कि हम हंसी की बात क्यों कर रहे हैं। शहर के मोती गार्डन परिसर में दो अलग अलग स्थानों पर हर उम्र के व्यक्ति रोजाना योग करते हैं। वे बताते हैं कि उनके स्वस्थ शरीर का राज भी यही योग और हास्य योग है। इसलिए सुबह सुबह यदि आप मोती गार्डन भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आपको वरिष्ठ जन योग कक्ष और परिसर के भीतर एक स्थान से इतने जोरों की हंसी की आवाज आएगी कि आपको स्वयं हंसने के लिए मजबूर कर देगी। और कुछ देर के लिए ही सही, आप अपने सारे तनाव भूलकर गुदगुदा उठेंगे। वरिष्ठ जन योग कक्षा में हम लोग योग कराते हैं सभी लोगों को, वरिष्ठ लोगों को। हाँ, लाफ्टर थेरेपी जो हास्यासन कहलाता है हिंदी में, तो हास्यासन का एक इतना अच्छा महत्व है, इससे अपने शरीर में जब हम हंसते हैं तो सारे हमारे जो अंग हैं अपने आप प्रफुल्लित होते हैं और उसमें वायु का संचार पूरी तरह अच्छे से हो जाता है। अगर कहीं दूषित वायु जमा है वह भी बाहर निकल जाती है। और प्रसन्न जैसे होते हैं तो प्रसन्न होने से शरीर के सारे अंग अपने आप प्रफुल्लित होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हास्यासन तो जरूर ही करना चाहिए। शहर के कालीपुतली चौक से जयस्तंभ चौक और आम्बेडकर चौक से कलेक्ट्रेट के रास्ते रानी अवंतीबाई चौक तक लगातार यातायात का दबाव बढ़ने की वजह से दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन व नगर पालिका के द्वारा शहर के अन्य मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने के साथ साथ उसे डबल लेन सड़क में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे यातायात सुगम होने के साथ साथ दुर्घटना की संभावना भी कम हो गई। समय के साथ साथ शहर के अंबेडकर चौक से कलेक्टर मार्ग और कालीपुतली चौक से जयस्तंभ मार्ग पर भी यातायात का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इन सड़कों के चौड़ीकरण की मांग उठने लगी है, लेकिन नगर पालिका के पास वर्तमान समय तक किसी प्रकार की कोई योजना इन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए नहीं है। अगर भविष्य में ऐसी यातायात का दबाव बढ़ेगा और स्पेस अगर रहा तो उसको डिवाइडर डाल के कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों सड़कों के चौड़ीकरण के लिए नगर पालिका प्रशासन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण हटाओ जैसी परेशानी नहीं होगी। इन सड़कों की दोनों ओर शासकीय भूमि होने के कारण सड़क चौड़ीकरण में दावा आपत्ति जैसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। बावजूद इसके देखना अब यह है कि बढ़ते दबाव को देखते हुए शासन कब तक सड़क चौड़ीकरण का निर्णय लेती है। नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व शहर के वार्डो को जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार बराबर भागों में बांटा जा रहा है, जिसके लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की गई। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव की लगभग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसका लगभग पूरा खाका तैयार हो चुका है। नगर पालिका में आसपास के गांवों को जोड़ने के लिए बकायदा 14 अगस्त तक समय रखा गया था, जिसके लिए 30 अगस्त तक आदेश शासन को भेजे जाने थे,
वहीं 30 सितंबर को इसका प्रकाशन होना है। लेकिन बालाघाट शहर के भीतर आसपास के गांवों को शामिल किए जाने के लिए कोई भी आवेदन या दावा आपत्ति नहीं पहुंची। इसके बाद अब शहर के भीतर 33 वार्डों को जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार बांटे जाने के लिए प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू की जानी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर को वार्डों की संख्या का निर्धारण अधिसूचना, 17 अक्टूबर को ही वार्डों की सीमाओं का प्राथमिक प्रकाशन, 31 अक्टूबर को सीमाओं पर दावे आपत्ति संबंधित कार्रवाई और 15 नवंबर को वार्डों की सीमा की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि इस विषय पर लंबे समय से अंदरूनी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें शहर के 7 वार्डों का परिसीमन किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यतः नई बसाहाट वाले गायखुरी वार्ड नंबर 33, भटेरा चौकी, सरेखा, बैयर चौकी क्षेत्र सहित शहर के बीच के कुछ वार्ड जिन्हें जनसंख्या के अनुसार नहीं बांटा गया है, या फिर ऐसे वार्ड जो एक सड़क के माध्यम से दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें विकास कार्य व सफाई कार्य सहित अन्य कार्य करने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वार्डों को भी परिसीमन के अनुसार क्षेत्रफल कम ज्यादा किए जाने की योजना है। हालांकि इस विषय पर जब हमने बीते दिनों परिसीमन का कार्य देख रहे बालाघाट तहसीलदार रामबापू देवांगन से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वरिष्ठ स्तर से आदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है, लेकिन कितने वार्डों के लिए दावे आपत्ति या फिर आवेदन आए हैं यह तय तारीख के और समय सीमा के भीतर ही किए जाने की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। जिले के वारासुनी वन परिक्षेत्र की टीम ने जंगलों से बेशकीमती लकड़ियों को काटकर उसकी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर सागौन के लट्ठों से भरी पिकअप वाहन को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पिछले 2 दिनों में लकड़ियों की अवैध तस्करी के खिलाफ वन विभाग की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। आपको बताया कि गत 15 सितंबर की रात्रि में ही वन अमले के द्वारा कनकी चौक से चौखटों से भरे एक पिकअप को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की जानकारी देते हुए वारासुनी वन परिक्षेत्र अधिकारी DC वासनिक ने बताया कि पिछले दिनों से उन्हें लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर जंगल से बेशकीमती सागौन की अवैध कटाई कर उसकी तस्करी कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग ग्राम कनकी से PWD रोड पर वाहन कुछ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन MH14AS2163 जो तारपुर से पूर्णतः ढका हुआ था, वाहन को रोके, वाहन चालक से पूछे तो वाहन चालक ने बताया कि इसमें फार्चून है, किंतु सघन चेकिंग करने पर सागौन के लट्ठे 7 नग जिसके आसपास धान के छिलके जो बोरियों में भरे हुए थे उन लट्ठों को छुपाया गया था। आरोपी संतोष वल्द दिनेश वाहन चालक जो मोहगांव और देवेंद्र वल्द हरलाल जाति मरार ये साकी नमोली सहित परिच्छेद कार्यालय में वाहन को लाया गया। 7 नग साबुन लट्ठे बराबर 1.572 घन मीटर जो कि अवैध मात्रा में साबुन पाया गया। आरोपियों से पूछताछ पर बताए कि यह लकड़ी इरशाद जो साकिन लालबर्रा का है उसकी है और उसके द्वारा ग्राम खैर गांव के कुछ व्यक्तियों को मोहगांव के आगे बैनगंगा नदी के ऊपर जंगल है वहां से लकड़ी को मशीन की सहायता से काटकर तथा ट्यूब की सहायता से पानी में बहा करके मोहगांव की ओर रोशना घाट में लाया जाता है और वहां से तस्करी की जा रही है। वहां से हम लोड करते हैं और यह लकड़ी हम गोंदिया ले जा रहे हैं। बालाघाट के मोबाइल विक्रेता, मोबाइल सुधारकों व सिम बिक्री करने वाले व्यापारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में एक मीटिंग की गई, जिसमें साइबर से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने में उक्त व्यापारियों को उनकी भूमिका से अवगत कराया गया। साथ ही समझाइश दी गई कि मोबाइल सुधारने, बिक्री करने व सिम बिक्री करने के पूर्व ग्राहक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका रजिस्टर तैयार करें, जिससे साइबर अपराध करने वाले लोगों का आसानी से पता लगाया जा सके। सभी दुकानदारों को पुलिस मित्र के रूप में कार्य करके साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में सहयोग हेतु प्रेरित किया गया, जिसमें समस्त व्यापारियों ने आपसी सहमति दिखाते हुए इस कार्य में रुचि दिखाई। उक्त मीटिंग में शहर के सभी मोबाइल व सिम विक्रेता एवं मोबाइल सुधारक संबंधित दुकान संचालक सम्मिलित हुए। शिक्षा के बदलते परिवेश और डिजिटलकरण के युग में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कंप्यूटर और डिजिटल किताबों का महत्व बढ़ता जा रहा है। बच्चे भी इस नई शिक्षा पद्धति से प्रभावित हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन वक्त की जरूरत बनता जा रहा है, किंतु सरकारी स्कूल के लिए ऐसी महंगी पढ़ाई सपना ही कहा जा सकता है। बच्चों का यह सपना पूरा करने के लिए बीड़ा चेन्नई के प्रसिद्ध समाज सेवी याला मंचली ने उठाया है।
उन्होंने आदिवासी बाहुल्य विकास खंड बिरसा के अंतर्गत 10 स्कूलों को गोद लेकर डिजिटल पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम शुरू किया। इसी कड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला गुदमा में याला मंचली ने बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया, जिससे अब मनोरंजन के साथ साथ बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। Our founder, Mr. Ramakrishna Elmanchandi, he came to Kana 4 years back. Then he has visited almost all the schools in Kana. Then he came to know that there are the infrastructure. There is a lack of infrastructure in the the school. So he has decided to give whatever possible infrastructure in terms of desk, bench. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण और रक्तदान किया गया। इस अवसर पर 2 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इसके साथ ही संपूर्ण अस्पताल परिसर में मरीजों को फल वितरण किया गया और अस्पताल के भीतर व्यवस्थाओं को देखा गया। देश के हमारे बल्कि मैं कहूँ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस और जन्म दिवस को हमने पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का निर्णय लिया है। उसी श्रृंखला में आज जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट करना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता जिसमें सुरजीत सिंह ठाकुर हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं और गुलशन भाटिया जी हैं, इन्हीं के साथ और बाकी साथी लोग ब्लड बैंक में डोनेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर फल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के सौजन्य से भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ सभी मरीजों को आज फल वितरण किया जाएगा और रक्तदान कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर बताते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान किया गया है और संकल्प लिया गया है कि समय समय पर जब भी जरूरत पड़ेगी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान किया जाएगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, उनकी दीर्घायु की कामना करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों के लिए हम सभी भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं और समय समय पर जरूरतमंदों के लिए जो अभी नहीं कर रहे हैं उन्होंने रक्तदान का संकल्प लिया है, साथ ही फल वितरण कर रहे हैं। सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए जो कर सकते हैं। रक्तदान करने से हम भी स्वस्थ होते हैं और जरूरतमंदों की पूर्ति होती है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जो खरीदने से नहीं मिलती। इसलिए समय समय पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। सभी से यही अपील है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र को यूं ही आगे बढ़ाते रहें, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो संकल्पित है। हम सभी उनके संकल्प में साथ रहें, उनकी दीर्घायु की हम कामना करें। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टेकाड़ी में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिला पंचायत सीईओ को की गई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2018 में स्टॉप डैम सहित अन्य निर्माण कार्य ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा कराए गए थे, बावजूद इसके भी कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। क्या मजदूर का पेमेंट है? कब का पेमेंट है? 2018-19। क्या काम किए थे लोगों ने? स्टॉप डैम, चेक डैम, मीनाक्षी तालाब है ना, तालाब का। कितने लोगों ने काम किया था वहाँ? तो सर 50-60 लोगों ने किए, लेकिन 25-30 लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया पेमेंट? पता नहीं सर। नहीं, फिर भी तो क्या बोलते हैं पंचायत सचिव? क्या बोलता है सचिव? बोलता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पिछले वर्ष का भी पेमेंट रुका हुआ है सर, और अभी जून में जो काम खत्म हुआ है उसका भी पेमेंट रुका हुआ है, काम समाप्त हो गया, पेमेंट नहीं हो पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेमेंट आ गई हो, दे नहीं रहा हो या निकाल लिया उसने? नहीं, पेमेंट आया नहीं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खाद्यान्न पर होने वाली फर्जीवाड़ी को रोकने के लिए घर घर पहुंचकर सर्वे करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कड़ी में बालाघाट जनपद के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारियों को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई कि उन्हें किस तरह से सर्वे करना है। उद्देश्य यह है कि जो अत्यंत गरीब है या गरीबी रेखा में जी रहे हैं उनको
खाद्यान्न वगैरह आदि का समुचित लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि कुछ अपात्र लोगों ने जिन्होंने अपनी पात्रता पर्ची वगैरह बनवा दी है उनके कारण क्या है, जो वास्तविक गरीब लोग हैं उनको खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करने का उद्देश्य रखा गया है और इसके लिए आप लोगों को दल के रूप में यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है। तो प्रशिक्षण के लिए खाद्यान्न विभाग ने इस बात का एहसास किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी नौकरियां लग चुकी हैं, जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं और जिनके पास काफ़ी भूमि है और सारी सुविधा होने के बावजूद भी वो खाद्यान्न पर्ची में पात्र बताकर लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासन ने ऐसे अपात्र लोगों को अलग करके, जो पात्र वास्तव में पात्र हैं, वास्तविक पात्र हैं और जो वास्तविकता रखते हैं आगे आने वाले समय, इन सब के लिए ये सत्यापन रखा गया, सत्यापन का काम कराया जा रहा है। क्या क्या बताया जा रहा है इसमें? ये बताया जा रहा है कि जो 25 श्रेणी के परिवार हैं, जैसे BPL हुआ, अंत्योदय हुआ, विधवा महिलाएँ, SC ST भाई हुए, इन सबको यहाँ पर रखना है और इनके अलावा जिनकी नौकरी लग गई है, जो आयकर के अंतर्गत आते हैं और जिनकी जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई, जो पलायन कर चुके हैं, ऐसे लोगों की सब। आम जन की समस्याओं के निराकरण को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या जिला प्रशासन के समक्ष रखी। बारासोनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खापा के ग्रामीणों ने बताया कि उनके रहवासी क्षेत्र में शासन स्तर पर 2 वेयर हाउस संचालित है, जहां पर भारी मात्रा में चावल का स्टॉक रखा जाता है। वेयर हाउस की वजह से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतें हो रही, वहीं इस सड़कों में कीचड़ होने की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। इसके अलावा कीड़ों का भी प्रकोप हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण जन काफी परेशान है। समस्त ग्रामीणों ने वेयर हाउस को रिहायशी क्षेत्र से हटाने की मांग की थी कि वहाँ पे मतलब ग्राम पंचायत के अंदर में 2 वेयर हाउस संचालित हो रहे हैं, जो बसावट केंद्र है, मतलब जो बसावट थी उसके अंदर में, गांव के अंदर बोलना चाहिए, उसमें समस्या भी आ रही है कि चावल भरी वहाँ पर शासन ने कुशल वेयर हाउस और कल्पतरु वेयर हाउस, 2 वेयर हाउस वहाँ पे, तो चावल भरने से क्या हो रहा है, अब चावल रहता है वहाँ पे तो जो कीट पतंगे हैं वो पूरे मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं। रात में अपन जैसे खाना वाना नहीं खा सकते, घर में रह नहीं सकते, बोल ले दो, बहुत बहुत सारे कीट पतंगों से परेशान है। दूसरी चीज़, वेयर हाउस में रोड़े नहीं है, तो ट्रकों का जो आना जाना है, तो ट्रकों के आना जाने के कारण अंदर की जो पूरी गंदगी है, जो कीचड़ है, वो पूरा मोहल्ले में बह जाता है। तो हम लोग के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हम लोग खुद आना जाना नहीं कर पाते, मेन रोड है बोधल कसा मार्ग वाला, वो उस चक्कर में अवरुद्ध रहता है। तीसरी समस्या ये कि ट्रकों का जो आना जाना है, पूरे ग्रामीण इलाके में खड़े रहते हैं, तो हम लोग अपने घर के सामने से निकल नहीं सकते, आना जाना नहीं कर सकते, हम लोग की गाड़ी बैल वहाँ नहीं रह सकते, ये समस्या है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि वो जो वेयर हाउस है वो ग्राम के अंदर संचालित ना होके उसको कहीं बाहर संचालित किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले नगर के वार्ड नंबर 23 के वार्डवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 23 दूध डेयरी और MPEB के सामने झुग्गी झोपड़ी में करीब 50 परिवार निवासरत है। नगर पालिका के द्वारा आदेश हुआ है कि जिनके पट्टे नहीं है वह नगर पालिका का टैक्स देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके बाद करीब 30 से 40 परिवारों ने एक साल से पहले नगर का टैक्स जमा किया था और शपथ पत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक इन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं डाली गई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि यदि वार्ड वासियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी समय में नगर पालिका के सामने वार्ड वासियों के साथ भूख हड़ताल की जाएगी। आपका नाम बताएं? संतोष कुमार मालिक, वार्ड नंबर 23 पावर हाउस रोड बताए। किस लिए आए आज? दूध डेयरी के सामने हम आज आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने की। हम लोगों को नगर पालिका द्वारा बोला गया कि आप लोग मकान का टैक्स पटाओ, 22-23 साल का टैक्स भी पटाए चुके हैं हम लोग, और इसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ना आवास का कोई फ़ायदा मिल रहा है, ना पट्टा वट्टा कुछ भी अभी तक नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे मकानों का पट्टा दे और आवास का फ़ायदा दे,
जो भी जैसी भी शासन की योजना है उसके अंतर्गत जो 2.5 लाख रुपए मिल रहा है वो 2.5 लाख रुपए दे मकान बनाने के लिए। आप लोगों ने आवेदन नहीं किया था? हमने आवेदन किया था, हमने टैक्स भी पटाया नगर पालिका में, क्यों नहीं हो पाया पता किया? अब टैक्स भी पटाया और कार्रवाई भी की है। इसके बाद में हमने सुना है कि वहाँ के इंजीनियर ने जो रंग डाले है उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। 23 के गरीब झुग्गीवासी माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं कि नगर पालिका द्वारा आज के 8 महीने पहले एक आदेश हुआ था कि जिनके पास पट्टे नहीं हैं वो नगर पालिका का टैक्स पटा दें तो उनको प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिलेगा। इन लोगों ने करीब करीब दूध डेयरी के सामने और MPB कॉलोनी के सामने 50 परिवार रहते हैं, लेकिन करीब 25-30 लोगों ने इन्हें आवेदन किया, टैक्स भी पटाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा इनका प्रकरण स्वीकृत नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि आए दिन ये लोग नगर पालिका गए, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से कि इन गरीबों को जो योजना है तो इनको फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन नगर पालिका जाओ अगर दूसरी किस्त की भी बात करो तो बोलते हैं कि नहीं उधर से किस्त नहीं। अभी आप जो पोजीशन है झुग्गी झोपड़ी में कि एक किस्त 60,000 की 6 महीने पहले डाली गई, लोगों ने अपने मकान तोड़ लिए, कोई झुग्गी बना के रह रहा है, और दूसरी किस्त की हम लोगों ने अभी नगर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि दूसरी किस्त डाली जाए। अब दूसरी किस्त जब डालने की बात आई तो नगर पालिका द्वारा ये कहा गया कि कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की रसीद कटवाइए आप टैक्स। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले के सभी शासकीय व अशासकीय कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति देने में देरी की जा रही है। इस विषय पर छात्रों के द्वारा जिला प्रशासन को अपनी परेशानी बताई गई। लांजी के लक्ष्मीकांता कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नियमित विद्यार्थियों ने बताया कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता। आज जब उन्होंने इस विषय पर जानकारी जिला प्रशासन को दी तो उन्होंने बताया कि KYC नहीं होने की वजह से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है। दरअसल छात्रवृत्ति के सिलसिले में आना हुआ है, काफ़ी टाइम से हमें 18-19 की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जिससे पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को बहुत तकलीफें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों रुकी हुई है बता रहे हैं? दिक्कत ये कोई कुछ बोल रहा है कि मतलब ठीक से समाधान बता ही नहीं पा रहे कभी KYC का कुछ आ रहा है, कभी बोल रहे कि मतलब सरकार से जो फंड नहीं आया है, इस तरीके के जवाब आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए और आपका जो कॉलेज प्रशासन है क्या बोलता है? कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि जो भी कलेक्ट्रेट से रुका हुआ है। अच्छा तो यहाँ आया तो अभी पता किया क्या यहाँ पर? जी क्या बताया आपको? तो यहाँ से हमें अभी एक हफ्ते का टाइम मांगा है, बोला जा रहा है कि अभी स्कूलों की भी छात्रवृत्ति नहीं आई है, मतलब पूरे UBC की पूरे जिले भर में नहीं आई है, एक हफ्ते का टाइम मांगा गया है, उसमें हो जाएगी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश भर की संविदा कर्मी, प्रोजेक्ट के कार्यरत कर्मचारी और बजट के अभाव में बंद हो चुके प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बनाई गई थी जो फाइलों में अटकती नजर आ रही। शासन के द्वारा बकायदा 16 सितंबर तक कलेक्टर के माध्यम से सभी कार्यालयों से जानकारी एकत्रित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें सभी विभाग के प्रमुख अपने अपने विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी, प्रोजेक्ट कर्मचारी वो बजट के अभाव में बंद हो चुके प्रोजेक्ट के कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी भोपाल भेजी जानी थी, लेकिन ऐसा कोई आदेश तारीख निकल जाने के बाद भी नहीं पहुंचा है। रोजगार सहायक संगठन के सदस्य बलराम बताते हैं कि तारीख निकल जाने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन की ओर से नियमितीकरण का कोई पत्र नहीं आया, जिससे रोजगार सहायक बहुत अधिक निराश है। इसी को लेकर उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, जिसी के चलते हम लोग रोजगार सहायक संगठन ने आज पूरा ज्ञापन दिया है पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कि हमें नियमित किया जाए। सरकार हमारी मांगों को दरकिनार किए जा रही है, तो इसके पूर्व भी सरकार ने जो है हमें नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन चूंकि आज तक किसी प्रकार की कोई पॉलिसी ना बनाई गई है ना अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। इसमें क्या लगता है आपको कि हो पाएगा कि नहीं पाएगा? सरकार से उम्मीद बना के अभी तक तो थे, अगर हम लोग और 7 दिन का समय दिए सरकार को, अगर कोई पॉलिसी नहीं बनती है, कोई आदेश जारी नहीं होते, तो मध्य प्रदेश में पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूरे उग्र आंदोलन करेंगे। मनरेगा कर्मचारी बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अन्य योजना के कर्मचारियों को सीधे भोपाल बुलाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जा रही है, लेकिन अन्य विभाग के कर्मचारियों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। सर अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है और सरकार की साफ मंशा भी हमें जाहिर हुई है, क्योंकि अभी कुछ अन्य संविदा कर्मी जो हैं अन्य विभागों से, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने किया है, पर अभी तक रोजगार सहायक के प्रति ना कोई मैसेज है ना व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे हमें नहीं लगता कि अब सरकार आने वाले समय में पंचायत चुनाव है
की आचार संहिता लग जाएगी, अब शायद ही सरकार कुछ कर पाए, इसलिए हम लोग ने आंदोलन का रास्ता अपनाना है। आज तक तो कोई आदेश नहीं। कब से नौकरी कर रहे हैं आप? मैं 2008 से। क्या उम्र हुई है मेरी? 48 हो गई। क्या लग रहा है आपको, संभावना क्या लग रही है आपकी, हो पाएगा कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कोई संभावना, सिर्फ लाली बाप लगता है। कि वचन पत्र में भी इसमें उल्लेख किया था कि सुविधा होने को परमानेंट किया जाएगा, क्या मानते हैं आप इसको? अब उम्मीद तो है पर अब देखो क्या होता है। नहीं, जैसे 16 तारीख की डेडलाइन भी दी थी, उसके बावजूद भी आज तक नहीं आना, तो अभी तो अपन लाली बाप ही समझ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर शैलेश कुमार डेहरिया बताते हैं कि राज्य स्तर से ऐसी कोई कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है और समय समय पर संगठन के माध्यम से शासन के नुमाइंदों से मुलाकात की है, लेकिन 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के विषय में आज दिनांक तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, राज्य स्तर से इस पर कार्रवाई तो चल रही है कि नियमितीकरण के ऊपर, और समय समय पर हमारे संगठन ने भी अपनी बात रखी है और शासन के माध्यम से भी हमारी चर्चाएं चल रही हैं, जो कि आज तक आज दिनांक तक शासन द्वारा जैसा आश्वासन दिया गया था कि हमें नियमित कर दिया जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे महिला बाल विकास के हों, चाहे ग्रामीण विकास के, जो भी 1 लाख से ऊपर जो संविदा का अधिकारी कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की बात कही गई थी। इसमें निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से आशान्वित थे, लेकिन यदि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके लिए हम संगठन स्तर पर कार्रवाई करेंगे, और भविष्य में यदि कोई हड़ताल या इस तरीके का साधन का उपयोग करना पड़े, पहले तो हमें हमारे शासन स्तर से हमारा जो भी संगठन है राज्य स्तर का, वो वार्ता करेगा, चर्चा करेगा, उसके बाद ही हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। जनपद पंचायत में भी ऐसे दर्जनों संविदा कर्मचारी हैं जो मध्य प्रदेश शासन के इस आदेश के बाद बहुत अधिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस विषय पर जनपद अध्यक्ष पूरन लाल ठाकरे बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का वचन पत्र धोखा पत्र है, जिस कारण किसान से लेकर बेरोजगार हर कोई परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और ये मात्र धोखा देकर के ही मतलब जो अपना सरकार चला रही है, क्योंकि इन्होंने जितने भी मतलब ये वचन पत्र जो बनाया था चुनाव के समय, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि एक आदमी वचन पत्र पर ये कामयाब हो रहे हों या अपने वचन पत्र को पूरा किया हो। जैसे संविदा कर्मी के बारे में इन्होंने कहा था कि हम इनको 16 तारीख तक के हम इनको परमानेंट करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, परंतु आज तक की ऐसी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है और ना मुझे लगता कि ये इसमें करेंगे। बस भरोसा दे दे करके सामने वाले को ये करते जा रहे हैं। जिस प्रकार किसानों की बात आई, किसानों को ये कहा गया था कि आपका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा, पर मुझे लगता नहीं कि वो 50,000 की जहां बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि 50,000 तक के पूरे सभी लोगों की हुई हो कर्ज माफ। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने जो वचन पत्र में कहा है उसे वे पूरा कर रहे हैं। शासकीय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वादे पूरी तरह से पूरे किए जाएंगे। मध्य हमारी कांग्रेस की सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी की सरकार, और माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कहा था, और सबसे पहली बार होगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी सरकार कि जिसने जो वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी ने किया था वो पूरे के पूरे वचन पत्रों के ऊपर अमल करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पिछले 1 महीने पहले तक 95 वचनों को पूरा करने का भी काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था, और रही बात संविदा नियुक्ति के नियमितीकरण का, तो नियुक्तिकरण का जो है कैबिनेट के अंदर रखा हुआ है, बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। देश के युवाओं के रोजगार की बात थी माननीय कमलनाथ जी ने बोला था, अभी देखा होगा स्वास्थ्य के मामले में सीधी भर्ती संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर में 750 स्टाफ नर्स की अभी निकाली गई है। तो जो वचन माननीय कमलनाथ जी ने किया वो वचनों को पूरी तरह कर रहे हैं और निभा रहे हैं, और समय के पहले कर रहे हैं। नहीं तो सरकार तो जो वचने करती है, घोषणा करती है, पूरे 5 साल निकल जाते हैं और 5 साल पूरे बीत जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास समय कम था। लेकिन ये मात्र कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी की है, जिन्होंने मात्र भी 8 महीने के अंतर ही 80 से 85% अपने वचनों को पूर्ण करने का कार्य किया है। जिले भर में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा समाज सेवा समिति के द्वारा 17 सितंबर को मुख्यालय से समीपस्थ ग्राम आवलाझरी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हवन पूजन व महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी स्वजातीय जनों का सहयोग रहा। आज सुबह से भगवान जी का अभिषेक हुआ, जो दही से अभिषेक किया गया, तत्पश्चात उनका सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा रहा, सुंदरकांड हुआ,
सुंदरकांड के बाद में हवन का आयोजन रखा गया और हवन के बाद में इस बीच में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम जिसमें रेखा बिसेन जी आए थे उनके द्वारा वृक्षारोपण कुछ पर्यावरण को देखते हुए वो किया गया। उसके उपरांत महाप्रसाद का वितरण हवन करके महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस तरह आज का कार्यक्रम रहा और समापन इस तरह से थी। यूँ तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हर कोई संकल्प लेता है और कुछ ना कुछ अपना योगदान देता है। ऐसे ही शहर के एक युवा प्रफुल्ल इल्लारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए युवाओं के साथ साथ समाज में मिसाल बन रहे हैं। प्रफुल्ल ने बजरंग घाट की खाली पड़े क्षेत्र पर बरगद के पौधे लगाए और उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड तक लगा दिया है। ट्री गार्ड जल्द खराब ना हो इसके लिए बाकायदा उस पर खाली समय पर रंग रोपण कार्य भी कर रहे हैं। बजरंग घाट भ्रमण के लिए आने वाले 2 सैकड़े से अधिक लोगों ने उसकी चर्चा का विषय वो बन चुका है। यह युवक रोजाना थोड़ा समय निकालकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही प्रफुल्ल की यह मेहनत और मुहिम बजरंग घाट पहुंचने वाले हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही। चलिए जानते हैं प्रफुल्ल ने अपने इस कार्य के विषय में हमें क्या जानकारी दी। ये आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? ये पेंट कर रहा हूँ, जाली लगाया था झाड़ के लिए, सुरक्षा के लिए इसकी। झाड़ झाड़ भी आप ही ने लगाए? मैं झाड़ 3 जून को वट सावित्री के दिन लगाया। वट सावित्री? वट सावित्री। तो कैसे आपको ये आया कि यहाँ झाड़ लगाया जाएगा? जगह खाली थी, बड़का झाड़ दिखा भी नहीं, इसलिए लगा दी। तो आप क्या करते हैं? मैं रिकवरी का काम करता हूँ फाइनेंस ऑफिस में। फाइनेंस ऑफिस में। पूरा नाम क्या बताए थे? प्रफुल्ल इल्लारे। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 25 बालाघाट। बालाघाट। तो इस तरह का काम करते रहते हैं क्या? जी हाँ करते रहते। इसके पहले भी कुछ किए हैं? इसके पहले लगाए थे। वाराणसी नगर में स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा समिति के द्वारा अपने इष्ट देव भगवान देवशिल्पी विश्वकर्मा जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुजाति बंधु के द्वारा सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। इसके पश्चात पंडित लक्ष्मीकांत के द्वारा हवन पूजन सम्पन्न करवाया गया। सुबह बाइक रैली निकालकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए भगवान विश्वकर्मा के जयकारे लगाते हुए भ्रमण किया गया, जिसके बाद सैकड़ों सामाजिक व स्वजाति बंधु ने पहुंचकर हवन का लाभ अर्जित किया। बाइक रैली निकाली गई है, उसके बाद हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया है, उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद संगीतमय कार्यक्रम होगा शाम को। हर वर्ष भी सारा विश्व में मनाई जाती है, इंजीनियर कलाकार सभी और पृथ्वी की रचना करने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, ये हर वर्ष मनाई जाती है। जिले भर के साथ ही लालबर्रा में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसको 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाना है। इस दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु की कामना के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष किशोर पालीवाल, संजू अवधिया, गौरव ठाकुर, तूफान गुप्ता, दिलेर सिंह, रिजवान खान, राजेश गोस्वामी, गणेश मात्रे, कमलेश चौधरी, महिला मंडल अध्यक्ष अनिता अग्रवाल, निर्मला बिसेन, लेमन बोपचे एवं अन्य भाजपा सदस्य सम्मिलित रहे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन की दीर्घायु की कामना की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल लालबर्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में और विशेष रूप से हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 69वें जन्मदिन पर शासकीय हॉस्पिटल जो हमारा लालबर्रा का है उसमें मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ सारे जो हमारे मोर्चे हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार केवल मंडल लालबर्रा में ही नहीं वरन मध्य प्रदेश और तमाम हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन्मदिवस अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे देश के गौरव और हमारे देश का जो डंका पूरी दुनिया में बजाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 69वां जन्मदिन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का परिवार सेवा रूप
और सेवा सत्ता के रूप में बना रहा है, उसी संबंध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हमारे सभी वरिष्ठ सभी मोर्चे के अध्यक्ष और हमारे मंडल के अध्यक्ष किशोर पालीवाल जी की उपस्थिति में हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष जनपद पंचायत वारासुली के अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में 17 सितंबर को सुबह तालाब में एक शव मिला, जिसे देखने के लिए तालाब पर ग्रामीणों की भीड़ लगी, जिसकी सूचना थाना रामपाली पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में स्थित तालाब में सुबह किसी व्यक्ति का शव देखा गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को काबू में किया और लाश को तालाब से बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त की, तो पता चला कि उक्त व्यक्ति झालीवाड़ा निवासी फल व्यापारी है, जिसका नाम कस्तूर पिता सूरजलाल राउत है, जो 15 सितंबर से लापता था, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर वारासुनी पोस्टमार्टम हाउस मिलाकर आवश्यक कार्रवाई की। रामपाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दिया। पद में से चर्चा में मृतक के भाई दिलीप राउत ने बताया कि उसका भाई मृतक कस्तूर राउत 15 सितंबर की रात में घर में खाना खाकर घूमने के लिए निकला था, जो देर रात तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने रात्रि में और सुबह आसपास के ग्रामों सहित रिश्तेदारी में पूछताछ की, जिसके बाद भी मृतक का कोई पता नहीं चला। श्री राउत ने बताया कि आज सुबह ग्राम के लोग मेरे पास आए और कहा कि तेरे भाई की लाश तालाब में है, जिसकी जानकारी रामपाली पुलिस को दी। पाके भाई, कैसी घटना हुई है? ये संडास वगैरह जाने से हुई है। क्या काम करते हैं ये? काम करते हैं फल दुकान में। लापता वापस थे के? लापता तो नहीं हुए थे, लेकिन वही दुकान से सामान भी अपना धंधा करके मार्केट आए थे वारासुनी, और अपना माल लेने माल छोड़ के गए, तो आता हूँ बोले, अब 9-10 बजे रात, अब खाना नहीं खाए तो बोलते हैं कि चलो घर में चिंता होती चे उस टाइप की, तो फिर वो उस दिन रात में भी नहीं दिखे, तो कल दिन में भी नहीं। फिर परसों की घटना है। आज सुबह किसने देखा फिर इनको? ये सुबह देखा पड़ोसी ने। अच्छा, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार मार के फेंका हुआ? कुछ नहीं। वारासुनी में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में राजमिस्त्री मजदूर संघ के तत्वाधान में 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम नगरपालिका के अध्यक्ष विवेक पटेल, इंजीनियर राजू जयवार की उपस्थिति एवं संघ के अध्यक्ष भवानी प्रसाद भगत की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर डीजे की धुन पर बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मंगल भवन पहुंची, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकाधिक संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराकर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान ठेकेदार, इंजीनियर, मिस्त्री, मजदूर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अम्बेडकर भवन में विश्व जयंती मनाई जाती है और हर वक्त हम भी इनके बीच में शामिल होते हैं। आज भी हमारे शहर में पूरा विश्वकर्मा जी का माहौल है। बगीचे के पीछे विश्वकर्मा मंदिर, वहाँ पूजा की गई, वहाँ से विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं हमारे निकल निकले हैं। इसके अलावा हमारे जो शहर के सरकार हैं, हमारे शहर के इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, सब मिलकर हर वक्त यहाँ मनाते हैं, रैली निकालेंगे, तो उसके बाद ये लोग हमने भंडार का कार्यक्रम रखा है। ये सबको विश्व जयंती की मेरे से शुभकामना, क्योंकि ये वास्तु के जनक हैं और सृष्टि के निर्माता हैं हमारे विश्वकर्मा जी, उनकी जयंती पर मेरी ओर से समस्त हमारे सरकार लोग हैं यहाँ उनको शुभकामनाएं, समस्त नगरवासियों को शुभकामनाएं, इनका काम खूब आगे बढ़े। लगातार हमारे शहर में बहुत अच्छे निर्माण हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई बिल्डिंग बन रही है, हमारे से लगातार सुंदर जा रहा है। आप सबकी मेहनत से सबके मकान बन रहे हैं, 2300 मकान बन रहे हैं शहर में, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं चाहता हूँ हमेशा ही प्रसन्न रहें, हमारा शहर बहुत आगे बढ़े, जिसके वजह से आशीर्वाद हमारे शहर बना रहे, हमारे शहर सुंदर रहे, व्यवस्थित है, अच्छे से जैसे की शुरुआत हुई थी हमारे शहर। जनपद शिक्षा केंद्र लालबर्रा में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी तहसील एवं विकास खंड शाला लालबर्रा के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जयंती पूजा का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष केजी बिसेन की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें जंग बहादुर सिंह वैद्य, डीआर पटले वारासुनी, आरके दुबे, टीसी बिसेन, बीएल कटरे, टीसी रांगडाले, के आर तुरकर एवं अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। रिटायरमेंट के बाद हमने तीन चार्टर की खुदाई करवाया, अब कैसे करवाया? लोग आश्चर्य मानेंगे, तीन चार्टर की खुदाई कैसे होता है? सबसे पहले तो आपके कार्यालय के जो बाबू लोग हैं, स्टॉक जो भी निर्धारण करता है वेतन का या जो भी कार्रवाई करता है, वो अपने दिल दिमाग से नहीं करता, उसने मान लिया है देवी का। हमारा सौभाग्य कि हम उसमें आज उपस्थित हो गए, उस पर बाद में चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में कहना चाहूंगा। विश्वकर्मा जी जो हैं, वो वास्तु
और षष्टि के अपना षष्टि का जो वास्तु है उनके मुख्य देवता माने जाते हैं। भगवान के बारे में ये कहा गया है कि सतयुग में स्वर्ग का निर्माण, त्रेता में लंका जो सोने। वारासुनी नगर में स्थित जनपद पंचायत वारासुनी परिसर में 17 सितंबर को दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकल प्रदान करने के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटरसाइकिल प्रदान करने के लिए परीक्षण शिविर पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह कार्यक्रम अस्थिबाधित दिव्यांगजनों जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 या 80% से अधिक है, ऐसे दिव्यांगजनों को तहसील स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें ट्राईसाइकिल दी जानी है। शिविर रखा गया है जो 80% से ऊपर दिव्यांग रहेंगे उनका पंजीयन कर उनको चिन्हांकित करके उनको टोकन दिया जा रहा है और आने वाले महीने में अरे जो आने वाला महीना है अक्टूबर का, इसमें उनको ट्राइसिकल जो चलित है इसे बैटरी से वो दी जाएगी शासन की योजना। पर दुख का इसे ये है कि आज शिविर में अनेक प्रकार के विकलांग है, जो मानसिक भी है, हाथ और पैर से भी है, एक हाथ एक पैर से भी है, कोई कुछ तो ऐसे है कि जिनका एक पैर ही नहीं है, पर उनमें डॉक्टरों ने 1% कोई 70 है, कोई 75 है, कोई दिव्यांगजनों को जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जाएगी उसमें 60% राशि भारत सरकार एवं 40% राशि जिला प्रशासन देगा, जो लाभार्थी को निःशुल्क मिलेगी। जिनका परीक्षण डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है और पात्र व्यक्ति को चिन्हित भी किया जा रहा है। संजीव गोस्वामी, जनपद सीओ की बाइट। 80% से ऊपर जो भी अस्थि वादित विकलांग है दिव्यांग में, उन दिव्यांगों के परीक्षण आयोजित किया गया है। डॉक्टरों की टीम परीक्षण कर रही है कि कौन से अस्थि वादित विकलांग हैं जिन्हें ऑटो चलने वाले टिकट प्रदान किया जा सकता है। आज चिन्हांकन करके पश्चात अगले वितरण किया सर इसमें अपने उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश के तमाम शासकीय महाविद्यालयों में 17 से 19 सितंबर तक 3 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसका पालन करते हुए नगर के पीजी कॉलेज में मंगलवार को दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान व्याख्याताओं के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं, महाविद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं व बच्चों के जीवन शैली से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गई। इसमें व्याख्याताओं ने बच्चों के आचरण, उनकी शिक्षा दीक्षा, परीक्षा पत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा संचालित करने का विवरण सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा किए। साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। पीजी महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव सहित अन्य व्याख्याता व विभिन्न संकायों के छात्र छात्राएं प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो दीक्षारंभ कार्यक्रम किया जा रहा है, यह दीक्षारंभ कार्यक्रम नव प्रवेशित छात्रों का किया जा रहा है और इस दीक्षारंभ कार्यक्रम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के तहत नव प्रवेशित छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और महाविद्यालय में बच्चों के लिए क्या योजनाएँ हैं, उनके लिए क्या सुविधाएँ हैं, इसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। यह दीक्षारंभ कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने निरीक्षक संजू कामले को यातायात प्रभारी का पदभार दिया है। आपको बता दें कि यातायात प्रभारी स्नेहा चंदेल के स्थानांतरण के बाद से ही यातायात प्रभारी का पद रिक्त था। हालांकि कुछ समय के लिए मनोज मेहरा को यह प्रभार सौंपा गया था, लेकिन बालाघाट यातायात थाना होने की वजह से निरीक्षक रैंक के अधिकारी के पद के अनुसार पदस्थापना की जाती है। इसी कड़ी में यह आदेश जारी किए गए। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी के 2 शिक्षकों के द्वारा छात्र से घर में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए छात्र के परिजनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। आपको बताएं कि कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में वार्ड नंबर 2 नट्टी टोला कटंगी निवासी राजेश मेश्राम ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 12 सितंबर को रात्रि 8 बजे पटवारी संदीप पटले व अन्य 2 शिक्षक अर्पित जोशी व विजय खरोले ने घर में घुसकर उनके बेटे
छात्र आयुष मेश्राम जो कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी कक्षा 12 में विज्ञान समूह का छात्र है उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उसने शिक्षकों के नाम को लेकर स्कूल की दीवारों में अश्लील गाली गलौज लिखी थी जबकि उनका बेटा इस प्रकार के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं है। 8वीं से महाईसी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसकी किसी भी प्रकार की शिकायत स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई। उसके बाद भी शिक्षकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, वहीं परिजनों के साथ भी अभद्रता की गई। उन्होंने इस मामले में शिक्षकों पर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। हम ये शिकायत लेके आए सर, हमारा बच्चा जो है आयुष मेश्राम उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी में 12वीं विज्ञान समूह का छात्र है और मतलब स्कूल के जो टीचर है संदीप पटले, अमित अर्पित जोशी है और विजय खरोले, इन तीनों लोगों ने रात्रि के 12 तारीख को रात्रि के 8 बजे हमारे घर आकर के बच्चे की पिटाई की और आरोप ये लगाए हैं कि तुमने स्कूल की दीवारों पर गलत शब्दों लिखे हैं और छात्राओं को छेड़खानी कर रहे हैं। मैडम को छेड़खानी, छात्राओं को छेड़खानी। क्या किया उन्होंने घर में आपके रहा कर? उनने बच्चे की अच्छी पिटाई की है सर, बाल पकड़ के अच्छी पिटाई की है और हमारी पत्नी जब बीच बचाव करने गई तो इनको भी मतलब अश्लील शब्द जलील करते हुए गाली गलौज भी की है। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान शासकीय विद्यालय के प्राचार्य एसके डहरवाल ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। करीब एक माह पूर्व यह घटना हुई थी लेकिन शिक्षकों के द्वारा उन्हें जानकारी नहीं दी गई। वहीं 12 सितंबर को शिक्षकों के द्वारा छात्र के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी मिली है। दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के निजी स्कूलों में प्रकृति के प्रति रुझान व पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को ग्रीन डे मनाया गया जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी देते हुए वृक्षारोपण कराया गया। साथ ही पर्यावरण के महत्व, उनकी आवश्यकताओं पर स्कूली बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सभी बच्चे हरे रंग की गणवेश में नजर आए। जिले के विभिन्न निजी स्कूलों में आयोजित इस ग्रीन डे के अवसर पर स्कूल संस्थापक, प्राचार्य, समस्त स्कूल स्टाफ व स्कूल में अध्ययनरत बच्चे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालबर्रा नगर मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर घने जंगलों, पहाड़ियों व मनोरम वादियों से घिरा क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्राठी जलाशय हजारों किसानों के लिए वरदान है। इस वर्ष बारिश का मौसम समाप्त होने के पश्चात भादो माह में हुई तेज बारिश के चलते सितंबर माह में जलाशय लबालब भर गया है और जलाशय के सौंदर्य में 4 चांद लगाने वाला रपटा प्रारंभ हो गया है जिसके पश्चात प्रतिदिन सैकड़ों क्षेत्रीय जन व पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का लुप्त उठाने के लिए सर्राठी जलाशय पहुंच रहे हैं। सर्राठी जलाशय का निर्माण कार्य अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल में क्षेत्र में हो रही प्राकृतिक आपदा, सूखा व अकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 1912 में प्रारंभ किया गया था जो वर्ष 1923 में पूर्ण हुआ। इस जलाशय के साथ साथ बाई व दाई तट नहरों का निर्माण करवाया गया जिसके माध्यम से क्षेत्र के लगभग 35 ग्रामों में किसानों के खेतों तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाना संभव हो पाया। ब्रिटिश शासनकाल में जलाशय के ऊपरी हिस्से में गवर्नरों के रुकने हेतु डाक बंगला तैयार किया गया था। मूल रूप से जलाशय का निर्माण वर्ष 1912 को ही माना जाता है जिसके बाद लगभग 100 वर्षों तक किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं करवाया गया। विभागीय उदासीनता व लापरवाही के कारण सर्राठी जलाशय की पार में बड़े बड़े पलसे के पेड़ों ने अपनी जड़ें जमा ली जिसके कारण वर्ष 2003 के बाद जलाशय की पार में छेद होना शुरू हो गए। बंड पर बने होल ने धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लिया जिससे जलाशय के फूटने का खतरा मंडराने लगा। वहीं डाक बंगला अब पूरी तरह से जर्जर हो गया है व दाई व बाई तट नहरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षेत्रीय किसानों, जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जलाशय के जीर्णोद्धार हेतु मध्य प्रदेश शासन व भारत सरकार को पत्र भी भिजवाया। साथ ही ज्ञापनों व आंदोलनों का दौर भी शुरू हो गया है। सर्राठी जलाशय के जर्जर हालातों को देखते हुए वर्ष 2014 में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय की पार का जीर्णोद्धार व अंग्रेजी शासनकाल में निर्मित 7 रपटों को तोड़कर नवीन रपटे व 2 फालों का निर्माण करवाया गया। यह जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2014 से 2016 तक चला। जीर्णोद्धार काल यानी वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक अल्प वर्षा के कारण जलाशय एक बार भी पूरी तरह से नहीं भर पाया जिसके पश्चात वर्ष 2019 में सितंबर माह में हुई झमाझम बारिश के चलते 5 साल बाद जलाशय पूरी तरह से भर गया है और जलाशय में कुल 29 फीट पानी एकत्रित होने के पश्चात रपटा शुरू हो गया है।
पूर्ण रूप से जलाशय के भरने की जानकारी मिलने पर पद्मेश मीडिया ग्रुप के संपादक श्री उमेश बागरेजा जी के द्वारा पद्मेश की मीडिया टीम व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ 15 सितंबर को सर्राटी जलाशय के हालातों का जायजा लिया गया। साथ ही जीर्णोद्धार के पश्चात जलाशय से जुड़ी विकट परिस्थितियों व विभागीय उदासीनता के कारण मंडरा रहे संकट को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि सर्राटी जलाशय का वर्ष 2014-15 में जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया था, जिसमें तालाब के पार में पत्थरों से पिचिंग कार्य व पुराने रपटे को तोड़कर नए रपटे का निर्माण करवाया गया है। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली के चलते किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस कार्य नहीं करवाया गया, जिसमें वर्तमान में तालाब की पार में उगे पौधों ने पेड़ों का रूप ले लिया, जिससे जड़ें आर पार धीरे धीरे जड़ जमा रही है। तालाब की पार में विभिन्न प्रजाति के पौधों के साथ साथ सबसे खतरनाक पलसे के पेड़ उग गए हैं, जो धीरे धीरे बड़ा आकार ले रहे हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा जीर्णोद्धार कार्य के बाद से ना तो पेड़ों की कटाई की गई, ना ही किसी प्रकार से कोई ध्यान दिया जा रहा है। यदि समय रहते तालाब की पार में मौजूद पेड़ों की कटाई व साफ सफाई नहीं की गई तो पेड़ों की जड़ें मोटी होकर पार को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बताएं कि तालाब की पार में पेड़ों की जड़ें जब सूख जाती है उसमें दीमक लग जाते हैं, जिससे तालाब की पार में बुड़के लगने का खतरा बना रहता है। इस तालाब की पार में इसके पूर्व भी पेड़ों की जड़ों की वजह से बुड़के लग गए थे। सर्राटी जलाशय की दो मुख्य नहरों व माइनरों के माध्यम से क्षेत्र के 35 ग्रामों के किसानों की खेती की सिंचाई होती है, इसलिए यह जलाशय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में नहर व माइनर जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुके हैं, जिसका ना तो मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, ना ही जीर्णोद्धार कार्य करवाया जा रहा है। अब आलम यह है कि रबी व खरीफ सीजन में किसानों को अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। उसके बावजूद भी टेल में स्थित खेतों तक पानी पहुंचना असंभव है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा नहरों के लाइनिंग कार्य करवाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय किसानों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर नहरों के लाइनिंग कार्य हेतु कई बार आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन यह आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गया है। जिला प्रशासन चाहे तो सर्राटी जलाशय को बहुत कम बजट में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकता है, बस जरूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की। जलाशय में बोटिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में जल संचित है एवं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग, पर्यटकों के लिए कैंटीन, डामरीकृत पहुंच मार्ग व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए तो यह सर्राटी जलाशय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। ऐसी स्थिति में निरंतर मॉनिटरिंग भी चलती रहेगी। इस संदर्भ में चर्चा करने पर वैनगंगा सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यपालन यंत्री सीएम शुक्ला ने बताया कि उन्होंने मार्च 2019 को पदभार ग्रहण किया है। सर्राटी जलाशय के मेंटेनेंस हेतु शासन की ओर से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अल्प आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें समितियों के माध्यम से नहरों का सुधार कार्य करवाया गया है। जलाशय की पार में पेड़ों का उगना काफी खतरनाक है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें बाद में पाइपिंग का कार्य करती है, इसलिए यदि छोटे पौधे हैं तो उनकी सफाई के संबंध में कदम उठाए जा सकते हैं, परंतु यदि पेड़ बड़े हो गए हैं तो उन्हें काटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। वर्तमान कार्यपालन यंत्री के द्वारा विभागीय आवंटन को लेकर परेशानी व्यक्त की गई। हालांकि दर्शकों को बता दें कि विगत 3-4 सालों से सफाई नहीं करवाई गई। अगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सर्राटी जलाशय का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में सन 1912 से 1923 के बीच में करवाया गया था। क्षेत्र में अकाल सूखा की स्थिति को देखते हुए अंग्रेज सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया और यहाँ पर सर्राटी नदी को बांध करके एक सर्राटी जलाशय बनाया गया, जो ऊपर पहाड़ों से होते हुए नीचे की ओर आती है। और इस पानी का उपयोग करने के लिए तालाब के एक तरफ बाई तट नहर और एक तरफ दाई तट नहर, दो नहरों का निर्माण किया गया, जिससे आज की डेट में लगभग 15,000 से 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है और सैकड़ों किसान, हजारों किसान इस तालाब की वजह से अपना जीवन यापन और उनकी खेती का कार्य कर पा रहे हैं। क्षेत्र के लोग भी इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सौगात और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो काम करवाया गया, उस काम की लगातार मॉनिटरिंग और उसको आगे कैसे और सुरक्षित रखा जा सकता है तालाब की पार को, उसको लेकर के विभाग गंभीर नहीं है, जो आगे चल के और बड़ी मुश्किलों को जन्म दे सकता है। बोरी निवासी स्वाति भोजपाल ने बताया कि उन्हें जब यह जानकारी मिली कि सर्राटी जलाशय ओवरफ्लो हो गया है तो वो पूरे परिवार सहित घूमने के लिए यहाँ पहली बार पहुंची। रपटे का नजारा एवं तालाब का सौंदर्य देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। रविवार को छुट्टी का दिन होने से काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे।
कितने लोग आए हैं आपके एरिया से? जितने भी है यहाँ पूरे हमारे पूरी फैमिली चाहिए घूमने के लिए। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। रपटा देखे आपने? जी। पहली बार देखे आपने? किसके पहले भी देख चुके हैं? पहली बार देखे आपने। और तालाब का जो पानी है भरा हुआ है तो यहाँ पे आए काफी लोग आए हैं कि बहुत कम लोग हैं? कैसे? नहीं नहीं, काफी लोग हैं देखने के लिए आए दूर दूर से। तो ये इस क्षेत्र का बड़ा तालाब यही है कि और भी है? तो मेरे को नहीं मालूम जी, बड़ा है। सिंचाई विभाग में चौकीदार के पद पर पदस्थ लालचंद कावरे ने बताया कि वे सर्राटी जलाशय में लगभग 2.5 वर्षों से अपनी सेवाएं देते हुए तालाब की देखरेख कर रहे हैं। तेज बारिश होने के पश्चात गत 7 सितंबर को जलाशय पूरी तरह से 29 फीट भरने के पश्चात रपटा शुरू हो चुका है। जीर्णोद्धार कार्य होने के बाद 5 वर्षों के पश्चात तालाब पूरी तरह से भर पाया है एवं लगातार पहाड़ों से पानी आना शुरू है। ओवरफ्लो पानी रपटे से नदी में बह रहा है जहां सर्राटी नदी का उद्गम स्थल है। सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय बिसेन ने बताया कि उन्हें जब यह जानकारी मिली कि सर्राटी जलाशय का रपटा शुरू हो गया है तो वे अपने साथियों के साथ घूमने के लिए यहां पर आए हैं। सर्राटी जलाशय पहुंचकर रपटा एवं जलाशय के सुंदर नजारे का वे लुत्फ उठा रहे हैं। 5 वर्ष बाद तालाब पूरी तरह से भरा है जो किसान भाइयों के लिए अच्छा संकेत है एवं किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। पर्यटन स्थल की दृष्टि से सर्राटी जलाशय उचित स्थान है। आज हम लोग तकरीबन 5 साल बाटेगाड़ी डैम आए हैं और ये जानकर अच्छा लगा कि इस बार बारिश अच्छी हुई है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसके ऊपर से पानी तकरीबन 1 फीट जा रहा है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि इस डैम से तकरीबन जैसी मेरी जानकारी है कि इस वजह से गाँव की सिंचाई होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर। कैसा लगा आपको यहाँ आके जो एटमॉस्फेयर आपने देखा अभी? जो बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया लगा। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालभरा के युवा सरपंच अनिस खान ने बताया कि सर्राटी जलाशय का निर्माण 1913 में ब्रिटिश शासनकाल में करवाया गया था जहां कुछ साल पहले तक 7 रपटे हुआ करते थे लेकिन 5 वर्ष पूर्व तालाब का जीर्णोद्धार कार्य के पश्चात 3 रपटे बनाए गए। तालाब में सिवनी जिले व जंगलों का पानी पहुँचता है। तालाब से निकली नहरों के माध्यम से 30 ग्रामों के किसानों को खेती के लिए सिंचाई का पानी मिलता है। जलाशय 26 अगस्त 2013 को ओवरफ्लो होकर रपटा शुरू हुआ था जिसके बाद इस वर्ष तालाब ओवरफ्लो हुआ है। यह जो है सर्राटी जलाशय है ये हमारा 1913 को अंग्रेजी कार्यकाल में ब्रिटिश कार्यकाल में बना हुआ है उसके तहत यह पुराना तालाब जिसको भी आपने देखे होंगे ये तालाब है और इसके रपटे कुछ साल पहले तीन साल पहले तक इसमें 7 रपटे हुआ करते हैं। जब पानी तालाब में बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि इस बड़े तालाब में सिवनी जिले का भी पानी आ रहा है और हमारे पूरे जंगली एरिया का पानी मिलकर इस जगह स्टोर होता है और इससे जो है हमारी 27 ग्राम पंचायत को ये सिंचित करता है ये तालाब। इसके तहत यहाँ से 2 बड़ी बड़ी नहरें गई हैं और उसके बाद फिर काम हुआ था एक नहर एक साइड और निकली और ये जो आप देख रहे हैं ये रपटा है। पूर्व जनपद अध्यक्ष डुलेंद्र ठाकरे ने बताया कि काफी लंबे अंतराल के बाद सर्राटी जलाशय का जीर्णोद्धार हुआ है लेकिन वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है वह काफी चिंताजनक विषय है जिसमें शासन के द्वारा काफी रुपए खर्च होने के बाद भी मेंटेनेंस का कार्य नहीं करवाया गया है। तालाब की पार में पौधों की मोटाई देखने को मिल रही है एवं पेड़ों का आकार बढ़ते जा रहा है जिसकी जड़ों ने पार में जगह बना ली है। पौधे के आकार को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंबे समय से पेड़ों की कटाई नहीं हुई जिसमें शासन की निष्क्रियता समझ में आती है। विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि तालाब के पार की कटाई छटाई एवं सफाई नहीं की गई तो तालाब फिर से उसी स्थिति में चला जाएगा। काफी लंबे अंतराल के बाद सर्राटी डैम का पुनरुद्धार हुआ लेकिन आज जो स्थिति देखने मिल रही है इतना पैसा शासन का इन्वेस्ट होने के बाद भी जो तालाब में पारों के ऊपर जो पौधों का 3 साल पूर्व के ऐसा लगता है कि जिन पौधों की ये मोटाई जो देखने मिल रही है इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 3 साल पूर्व से पौधों की कटाई नहीं हुई और उनकी जड़ों ने आज फिर से बंड में जगह बना ली है और उससे शासन की निष्क्रियता समझ में आती है कि विभाग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या इन इतने बड़े बड़े डैम हैं जिनसे हम तो कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो 30-35 जो गांव हैं इनके लिए ये जन्मस्थली टाइप है। इसके बावजूद भी शासन जो है जिनमें इसके आधार से जिनकी रोजी रोटी चलती है
मैं उनको कहूंगा कि शासकीय विभाग सिंचाई विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वरिष्ठ समाज सेवी रवि अग्रवाल बताते हैं कि सराठी जलाशय पहुंचकर विश्राम गृह, तालाब व रपटा, लगभग 4 से 5 फीट लंबाई के पेड़ व झाड़ियां तैयार हो गई है, जिसकी जड़ें धीरे धीरे पार में अपनी जगह बना रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज से 5 साल पहले भी उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के सामने पेड़ों की कटाई करवाने के लिए बात रखी थी, जिसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपए निर्माण कार्य के लिए आए थे। यहाँ सबसे पहले तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, मेड़ के ऊपर जो 5 फीट 4 फीट के पेड़ होगा, ये दुर्भाग्य है। आज के 15 साल पहले भी जब पेड़ हुए थे तो हमने इसको मध्य प्रदेश शासन में इस बात को रखे थे और तत्काल यहाँ पर करीब करीब 20 करोड़ रुपए आया इसको निर्माण कार्य के लिए। ये मैं तत्काल चाहूँगा प्रशासन से पेड़ उखाड़े जाए। और दूसरी बात यह है, यहाँ जो सबसे मूलभूत समस्या है, तालाब में पानी है परंतु पाइपलाइन पूरी फटी हुई है, कैसे जाएगा किसानों के खेत में पानी? मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, सबसे पहले नहरों की जो जाल है उसको बनना था। जब आपने पाइप लाए खरीद के तो वो पूरा फूटा हुआ है, खेत में पानी कैसे जाएगा? बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं चाहूँगा ये सब हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, इस बात को अनिस भाई दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से आवाज़ उठाएं कि ये नहर बनना चाहिए। जब नहर बनेगी जब किसान के खेत में पानी जाएगा। समाज सेवी ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि सराठी जलाशय अब पूरी तरह से भर गया है एवं ओवर फ्लो चल रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना या हादसा घटित हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सुरक्षा के हिसाब से ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी है, जो विभाग की घोर अनियमितता को दर्शाता है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक नहरों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को जलाशय की नहरों से सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी का सही उपयोग नहीं होगा। पद्मेश के माध्यम से ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ अधिकारियों के, कि आज जब हमारा टेकाड़ी सर्राटी तालाब पूरी स्ट्रेंथ पे भरा हुआ है, यहाँ तक ओवरफ्लो चल रहा है, पर यहाँ पर इरिगेशन विभाग के न कर्मचारी हैं और न अधिकारी हैं। कल को कोई हादसा हो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इसी प्रकार की कोई बोर्ड वगैरह भी यहाँ पे न सुरक्षा के हिसाब से कोई बोर्ड और न सूचना के हिसाब से कोई बोर्ड है। यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, पर यहाँ पर एक भी कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है। लालबरा से पद्मेश न्यूज के लिए मोहसिन खान, राजेश ठकरेले, प्रशांत मसीरकर की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। वादा भूल गई मध्य प्रदेश सरकार, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तारीख निकल जाने के बाद भी नहीं आया आदेश। नगरीय निकाय चुनाव अक्टूबर में शुरू होगी नगर पालिका के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया। चेन्नई के प्रसिद्ध समाज सेवी ने परसवाड़ा स्कूल को दी सौगात, डिजिटल लाइब्रेरी का छात्रों को मिलेगा लाभ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, फल वितरण किए और किया रक्तदान। जिले भर में याद किए गए देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा, मनाई गई जयंती, हुए विविध कार्यक्रम। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।